ट्विटर पर फिर आई है तकनीकी दिक्कत, तो 5G को लेकर मिली है गुड न्यूज। तकनीक से जुड़ी हर एक बड़ी खबर के लिए सीधे आपको ले चलते हैं डिजिटल गल। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की सेवाएं फिर कुछ घंटों तक ठप रही, इससे दुनिया भर में लोगों को काफी परेशानी हुई। एक महीने में ऐसा दूसरी दफा हुआ जब ट्विटर डाउन हुआ। इससे पहले 11 दिसंबर को भी लोगों को इसी तरह से परेशानी हुई थी। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इसके लिए G20 ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम और स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन शुरू किए गए। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की। इस अभियान में सभी उम्र के लोगों को साइबर खतरे से आगाह किया जाएगा, खास तौर पर बच्चों, छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को साइबर जोखिम और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 5G से जुड़ी एक अच्छी खबर है। अगले साल से जियो 5G सर्विसेज देश के सभी हिस्सों में मिलने लगेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि जियो 5G डिप्लॉयमेंट का काम अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी कुछ ही शहरों में 5G सेवा लॉन्च हुई है।